दे मूव अहेड टू फाइंड अ थर्ड क्रिएचर, फिर वो आगे तीसरी मखलूक की तरफ गए। ऑन द वे दे मेट अ जैकल, उस रास्ते पर उन्हें गीदड़ मिला। हु ग्रीटेड द टाइगर एंड कॉल्ड आउट, व्हाई व्हाट्स द मैटर, उसने क्या कहा टाइगर से कि क्या मामला है। दिस मैन लुक्स मिजरेबल, ये बेचारा बहुत दुखी दिख रहा है, यानी ये आदमी बहुत दुखी दिख रहा है। द मैन टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी, और उस आदमी ने यानी गवाले ने जैकल को पूरी स्टोरी सुनाई, यानी गीदड़ को पूरी स्टोरी पूरी कहानी सुनाई। द जैकल सैड, गीदड़ ने कहा, हाउ कन्फ्यूजिंग, टेल मी अगेन, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मुझे दोबारा बताओ। द मैन रिपीटेड द स्टोरी बट द जैकल शूक हिज हेड, मैन ने दोबारा अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की लेकिन जैकल ने सर हिला दिया। ही सैड सैडली, उसने अफसोस से कहा, आई विल गो टू सी द कैज एंड देन, मैं पहले पिंजरे के पास चलूँगा, फिर देखते हैं, परहैप्स आई शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड, शायद मैं समझ पाऊँ, परहैप्स शायद अंडरस्टैंड समझना। द थ्री ऑफ देम रीच द कैज, तीनों ही कहाँ पहुँच गए, पिंजरे के पास। द मैन टोल्ड द होल स्टोरी ऑल ओवर अगेन, आदमी ने सारी स्टोरी दोबारा सुनाई। लेट मी सी, आओ मैं दिखाता हूँ, हाउ डिड हैपन, के क्या हुआ था। यू वर इन द कैच एंड द टाइगर कैम्प, हु इंटरप्ट द टाइगर, यानी वो स्टोरी सुना रहे दोबारा से तो टाइगर क्या, टाइगर ने इंटरप्ट किया। आई वॉज इन द कैच, मैं कैच में था, ठीक है, यानी गीदड़ उसको किस तरह से कन्फ्यूज़ करना शुरू कर रहा है बेटा, वो गीदड़ उसको कह रहा है कि आदमी से कह रहा है मैं कैच में था, तो उस पर जल्दी से इंटरप्ट किया टाइगर ने, और टाइगर ने कहा कि मैं कैच में था, मैं पिंजरे में था। द जैकल प्रिटेंटेड टू ट्रेम्बल विथ फ्राइट, बट सर यू कुड नॉट बी, द मैन मस्ट बी इन द कैच, लेकिन नहीं सर, आदमी कैच में था। द टाइगर बिकम फूरियस एंड जैकल एंड सैड एंग्रीली, फूरियस में गुस्से से भर जाना, टाइगर जो है वो बिल्कुल गुस्से से भर गया और उसने गीदड़ से कहा, यू स्टूपिड जैकल, तुम बेवकूफ गीदड़, आई सेड आई वॉज इन द कैच, मैं कह रहा हूँ मैं पिंजरे में था, बट सर हाउ डिड यू गेट इन, आप कैसे जा सकते हैं। द जैकल स्पोक स्लोली, उसने आहिस्ता से कहा, हाउ, कैसे, वाई, क्यों, थ्रो द डोर, ऑफ कोर्स, रोअरेड द टाइगर, टाइगर जो है वो गुस्से से घुर्राया, प्लीज़ डोंट बी एंग्री सर, बट द डोर इज स्मॉल फॉर योर हाइनेस, प्लीज़ गुस्सा नहीं करें सर। कौन कह रहा है, जैकल कह रहा है, किससे, टाइगर से, क्या गुस्सा नहीं करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो डोर है ये तो छोटा है। द जैकल सैड शिफ्टली, यानी इत्मीनान से, द टाइगर लॉस्ट पेशेंस, टाइगर जो थे वो अपना सब्र का पैमाना खो बैठे, एंड रश इन टू द कैज, और तेज़ी से पिंजरे में भागे। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, द डोर इज़ बिग इनफ फॉर मी, डोर मेरे लिए बड़ा है। एज द टाइगर इंटर द कैज, और जैसे ही टाइगर पिंजरे में गया, द डोर क्लोज ऑटोमेटिकली, वो तो आपको पता था कि जो कैज का डोर था वो ऑटोमेटिक था, वो फौरन बंद हो गया। द जैकल सैड, गीदड़ ने कहा, हाउ कैन अ स्टूपिड जैकल जज द फेट ऑफ टाइगर और अ मैन, आई थिंक दिस सिचुएशन शुड नॉट चेंज। फिर जैकल क्या कह रहा है कि टाइगर कह रहा है कि कितना बेवकूफ़ जो है वो जज था और ये सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है। टर्निंग टू द मिल्क मैन, अब जैकल जो है वो जल्दी से, टाइगर जो है जल्दी से मिल्क मैन के पास आया। ही सैड और कहा, ओ मैन व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो, रन अवे होम नाउ, अब जल्दी से अपने घर भागो। द टाइगर साइड सोप्ड एंड वेव बट इन वेन, फिर टाइगर ने क्या किया भाई, बहुत साइ मीन होता है बेटा एक्सप्रेशन, चाहे वो अपने आप दुख का करें या खुशी का करें, क्या एक्सप्रेशन थे उनके, मतलब ये कि वो फिर दोबारा से रोते रहे सिसकियों से ही, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। ही कुड सी द हंटर कमिंग, और फिर क्या देख रहे हैं कि शिकारी आ गया। ठीक है बेटा, देखिए आपको ने अगर देखा हो एक अदालत का माहौल, तो वकील उसमें किस तरह से कन्फ्यूज़ कर देता है ना, कन्फ्यूज़ करके इस तरह वो मुंह से सच निकलवा लेता है। इसी तरह से जैकल ने अक्लमंदी से क्या किया,
कि शेर को इतना कंफ्यूज किया कि वो समझाने के लिए दोबारा से कैज में गया, तो आपको पता है वो ऑटोमेटिक था इसलिए बंद हो गया, और इस तरह ये मसला जो है वो हल हो गया। ठीक है, और आप उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।